10 लाख के इनामी नक्सली जोनल कमांडर आलोक मारा गया। चतरा और बिहार पुलिस के संयुक्त अभियान से चतरा बिहार बॉर्डर पर एसटीएफ एवं कोबरा के बटालियन ने मार गिराया। बिहार झारखंड के लिए आतंक का पर्याय बना आलोक के अंत के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली है। झारखंड एवं बिहार पुलिस को लगातार सूचना उसकी गतिविधि की मिल रही थी, इसके बाद से दोनों राज्य के वरीय पुलिस सक्रिय होकर आलोक को मारने में सफल हुए। सूत्रों के अनुसार घटना धनगाय गांव की है। पुलिस शव को कब्जे में कर मगध मेडिकल ले जा रही है। आज मध्य रात्रि में नक्सलियों और पुलिस के मुठभेड़ में मारा गया आलोक। अनुकंपा पर नौकरी पाने के लिए कर दी पिता की हत्या। बेरोजगार बेटे ने रेता गला। बेटे ने पूछताछ में स्वीकार किया नौकरी मिल जाए इसलिए कर दी हत्या। झारखंड के रामगढ़ जिले में 35 वर्षीय बेरोजगार शख्स ने सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड CCL में कार्यरत अपने पिता की कथित रूप से हत्या इसलिए कर दी ताकि उसे अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिल जाए। पुलिस ने बताया कि जुर्म में इस्तेमाल छोटा चाकू और मृतक का मोबाइल फोन बरामद कर लिया है। पुलिस ने दावा किया कि राम के बड़े बेटे ने पूछताछ में स्वीकार किया है कि उसने अपने पिता की हत्या इसलिए की ताकि उसे CCL में अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिल जाए। पुलिस ने बताया कि CCL के प्रावधानों के अनुसार अगर सेवा के दौरान किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसके कानूनी आश्रित को नौकरी दी जाती है। झारखंड के गुमला जिले में अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक की ग्रामीणों ने पकड़कर शादी करा दी। मामला बसिया थाना क्षेत्र के कुसुमटोली गांव का है। शनिवार को तुकई गांव निवासी सुखदेव सिंह का पुत्र मनीष सिंह बसिया कुसुमटोली में रहने वाले स्वर्गीय संजय होबो की बेटी प्रकुल्ला होबो से मिलने पहुंचा था। यहां ग्रामीणों ने दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया। सोनारे में 35 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार, दो आरोपियों को पुलिस ने पकड़कर भेजा जेल। जमशेदपुर के सोनारी थाना अंतर्गत टीलू भट्टा निवासी एक 35 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार करने के मामले में पुलिस ने रविवार को दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए दो युवकों में ग्वाला बस्ती निवासी प्रदीप यादव और राजू शामिल है। रविवार को पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया। मामला शनिवार दोपहर का है। घटना के संबंध में महिला ने मामला दर्ज कराया था। राजू की निशानदेही पर पुलिस ने रविवार को प्रदीप को भी धर दबोचा। सोमवार को पुलिस महिला का मेडिकल करवाएगी। नई ताजा खबरों के लिए देखते रहिए।